हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं अपने गार्डन को सजाने जा रही हूँ। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, दिवाली आ रही है तो सब लोग अपने घर को सजाने में लगे हुए हैं। तो इसके साथ साथ हमारा हक बनता है कि गार्डन को भी सजाएं और इसे भी खूबसूरत बनाएं। तो चलिए दिखाती हूँ आप अपना छोटा सा गार्डन। तो देखिए, इस तरीके से फैला हुआ है। ये दो तीन जगह मैंने प्लांट रख रखे हैं, क्योंकि एक जगह रखूँगी तो ये भीड़ बहुत हो जाता है, तो इसी वजह से पूरी छत पे फैले हुए हैं मेरे प्लांट। तो अब मैं इसे अच्छे से अरेंज करके रखूँगी और सुंदर सा बनाऊँगी गार्डन को सजा के। तो चलिए देखते हैं। तो अब मैं ये सारे प्लांट हटा के सफाई करूँगी अच्छे से, झाड़ू वाड़ू लगा के, और फिर सेट करती हूँ प्लांटों को। और आपको पता ही है कि घर सब सफाई कर रहे हैं हम सब, कितनी मेहनत होती है। तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा कहीं गार्डन डेकोर करने में या साफ सफाई करने में या अरेंज करने में, सेटअप चेंज करने में भी उतनी मेहनत होती है। तो देख ही पा रही हूँ मैं अकेली ही कर रही हूँ, क्योंकि आजकल कोई बच्चा भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि शौक़ खुद का है तो खुद ही करना पड़ेगा। और इतना काम हो जाता है कि थकान महसूस होने लगती है। तो आज मुझे पूरा दिन इसको साफ़ सफाई और सेट करने में हो गया। तो देखिए, फाइनली मैंने इतनी मेहनत करने के बाद इसे अच्छे से अरेंज करके रख दिया और नया सेटअप तैयार करके अपनी गार्डन को सजा दिया एकदम से, जैसे कि दिवाली पे ये भी खूबसूरत लगे। तो देखिए, इस तरीके से सजाया मैंने। और अच्छा लगता है तो आप भी अपने गार्डन को सजाएं और मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत की है। और आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें और भी हिम्मत बढ़ाती है। तो एक साइड मैंने इस तरीके से डेकोरेट किया है, देखिए। इकट्ठा मैं इस वजह से रखती हूँ कि प्लांट एक दूसरे से मिलते हैं, रहते हैं एक साथ, तो इन्हें कोई भी नुकसान नहीं होता है और ग्रोथ अच्छी पकड़ते हैं ये। आप भी हमेशा ऐसे ही करिएगा। और देख ही पा रहे हो आप कितनी अच्छी ग्रोथ हो रखी है मेरे प्लांट की। और ये दूसरी साइड है, जैसे कि मैंने बताया था, एक जगह रखने से वेट ज़्यादा हो जाता है और वेट ज़्यादा होने से कोई नुकसान ना हो, इस वजह से मैं दो तीन जगह प्लांट रख देती हूँ। तो देखिए, इस साइड भी कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैं छोटे से छोटे प्लांटर में भी अपने प्लांट लगाती हूँ और सालों ऐसे ही चलते हैं, कोई नुकसान नहीं होता और खूब हेल्दी बने रहते हैं। तो आप भी छोटे प्लांटर यूज़ करें और खूब सारे प्लांट लगाएं। और देखिए कितने अच्छे और बड़े बड़े प्लांट हो रखे हैं छोटे छोटे कंटेनरों में भी। तो मेहनत करना तो हमारा काम ही है, क्योंकि शौक जो होता है वो हमेशा मेहनत मांगता है। और कुछ मैंने इधर रख दिए हैं देखिए, और जैसे फ्लावर प्लांट है और बाकी के जिन्हें सनलाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है सर्दियों में, तो मैंने वो उन्हें एक साइड कर दिया। तो देखिए दूर से कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा छोटा सा गार्डन। और इधर ये धूप ज़्यादा रहती है, तो इधर मैंने कनेर गुड़हल वगैरह रख दिए हैं फ्लावर प्लांट। तो अब देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। तो बड़ी मेहनत के बाद मुझे जाके सुकून मिला कि मेरा खूबसूरत गार्डन बन गया। और आप लोगों को कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताना, और आप भी ज़रूर करना अपने गार्डन को सजाना इस दिवाली।